वजीफा स्कीम पंजाब दे विच किस तरह लगती है? दोस्तों, ये वजीफा स्कीम जिहड़ी आ ये लाभपात्री कार्ड होल्डर वालियां दे लई आ। इस स्कीम दे अधीन जिहदे को भी लाभपात्री कार्ड आ उन्हां दे बच्चियां नूं इस तरह वजीफे दित्ते जाणगे जे उह इस स्कीम लई अपलाई करदे हन। पहली कलास तों लै के पंजवीं कलास तक वजीफा जिहड़ा वा 2800 रुपया वा, पर प्रति साल मती 1/4/2016 तों पहले दे रेटां लड़कियां लई 3000 वा ते लड़कियां लई 4000 वा। छेवीं कलास तों 8वीं कलास तक 4000 आ, लड़कियां लई 5000 आ ते लड़कियां लई 7000 आ। 9वीं कलास ते 10वीं कलास दे 6000 वा, लड़कियां लई 10000 वा ते लड़कियां लई 13000 वा। प्लस 1 ते प्लस 2 ते 6000 वा, लड़कियां लई 20000 वा ते लड़कियां लई 25000 वा। कॉलेज विद्यार्थी हर तरह की ग्रैजुएशन, पोस्ट ग्रैजुएशन, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल विच तकनीकी ते होर पेशेवारी पढ़ाई, ANM GNM कोर्स इहदे विच 19000 वा, पर जे विद्यार्थी होस्टल दे विच रहिंदा वा तां 34000 वा। लड़कियां लई जिहड़ी आ 25000 वा, जेकर विद्यार्थी होस्टल विच रहिंदा वा तां कुल 40000 वा। लड़कियां लई 30000 वा, जेकर विद्यार्थी होस्टल विच रहिंदी है तां कुल 45000 वा। इसे तरह मैडिकल इंजीनियर दे हर तरह की मैडिकल इंजीनियरिंग डिग्री दे लई हैगी आ 38000 रुपया वा, ते जे वो होस्टल च रहिंदा तां 58000 वा। इसे तरह ही लड़कियां लई हैगी आ 40000, जेकर विद्यार्थी होस्टल विच रहिंदा वा तां कुल 60000 रुपया वा, ते लड़कियां लई 50000, जेकर विद्यार्थी होस्टल विच रहिंदी आ तां 70000 वा। फिर इस वजीफा स्कीम दे विच कुछ शर्तां ने, जिवें पंजीकृत लाभपात्री दे बच्चियां नूं ही वजीफे दा लाभ दित्ता जाएगा। मैं पहलां ही दस्सिया ही कि लाभपात्री कापी वाले नूं ही लाभ दित्ता जाएगा। लाभपात्री नूं खुद भी प्रमाणित संस्था यूनिवर्सिटी विच शाम दी क्लास विच पढ़न लई वजीफा दित्ता जाएगा। जे कोई शाम नूं मतलब पार्ट टाइम पढ़ना चाहुंदा वा ते उहनूं वी वजीफा मिल सकदा वा। फिर पिछली क्लास विच फेल होए केसां विच वजीफा नहीं दित्ता जाएगा। जेकर लाभपात्री नूं किसी अजिही स्कीम अधीन किसी होर महकमे संस्था तों लाभ मिल रहा होवे तां वी उहनूं बोर्ड दी वल्लों इस स्कीम अधीन लाभ दित्ता जाएगा। दोस्तों, मैं तुहानूं दूजी स्कीम भी दस दूंगा जिहड़े लाभपात्री नहीं आ ते गरीबी रेखा दे विच आउंदे ने, उहनां दा वजीफा स्कीम बारे भी अगली जां तों अगली वीडियो लै के आवांगा। पर इस दे विच इह दस्सिया वा भी जे उह लाभपात्री उह वी स्कीम तों वजीफा लै रहा वा तां वी इस स्कीम दा वजीफा लै सकदा वा। फिर इक लिखिया वा भी संबंधित विधायक अदारे पासों पढ़ाई संबंधी सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपलोड करना होगा, मतलब कि तुहानूं पिछले साल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, साल का जां सेमेस्टर का। इसका फार्म किस तरह भरना वा ते अग्गे की प्रक्रिया वा, अज दी वीडियो दे विच असीं तुहानूं दसदे हां। चलो वीडियो शुरू करदे हां। दोस्तों, आ इहदा फार्म आ, इसका लिंक मैं तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच पा दांगा, उत्थों जाके तुसीं इस नूं डाउनलोड कर लैणा वा। चलो आओ तुहानूं इहनूं भरना दस दिंदे हां। दोस्तों, आ उत्ते आ रिहा वा केवल दफ्तरी वरतों लई, इस नूं तुसीं छड्ड देणा वा। फिर आ गया अर्जी दा वेरवा। अर्जी दे वेरवे विच सेवा दी अदायगी दा तरीका, इस दे विच तुसीं सेवा केंद्र दे सामने सही मार देनी आ। सेवा दा वेरवा, सेवा दे वेरवे दे विच रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन दे नंबर विच तुसीं अपने लाभपात्री कार्ड दा रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना वा। फिर बिनेकार दा नाम, तुहाडा नाम आवेगा जिहदी वी लाभपात्री कार्ड वा। फिर इत्थे जे ते पिता भर रिहा वा तां उहदे पिता दा नाम आवेगा, जे बच्चे दी माता भर रही आ फिर उहदे घर वाले दा नाम आवेगा, पर शर्त इही आ भी उहदी लाभपात्री कापी होणी चाहीदी आ। इत्थे रजिस्ट्रेशन दी मिति पुछी आ, इत्थे तुहाडी कापी दे उत्ते लिखिया होवेगा जदों वी तुहाडी कापी इशू होई आ ਉਹ ਮਿਤੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਭਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ, ਡਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣਨੀ ਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ।
फिर इथे तुसी संस्था का नाम लिखना वा जिथे भी वह पढ़ रहा वा, फिर इथे उसे ही संस्था का पता लिखना वा, फिर इथे लिख देना वा भी जेड़ा तुसी पिछले साल क्लास पास की या सेमेस्टर पास किया वा उहदे बारे लिख देना वा। मान लो मैं बी ए सैकंड ईयर च आ, मैं बी ए फस्ट ईयर बारे दस दूंगा, मैं तो इथे मैं बी ए फस्ट ईयर भर देवगा, फिर वह क्लास दस देनी है जिदे लई तुसी वजीफा स्कीम लैनी है। जिवें मैं बी ए सैकंड ईयर च पढ़ रहा वा, इथे मैं बी ए सैकंड ईयर च लिख देवगा, फिर इथे सैशन लिख देना वा जिदे हुण 2021 आ ते 2021 2022 लिख देना वा। हुण इथे बैंक की डिटेल देनी है, जिहड़े भी लाभपात्री का नाम उत्थे तुसी लिखिया वा, जे पिता का लिखा तो पिता दे बैंक की जानकारी देनी है, ते जे माता का लाभपात्री कार्ड आ ते ओह ए अर्जी दे रही आ तां माता दी बैंक की जानकारी देनी आ। इत्थे बैंक का नाम आ जाएगा, इत्थे ब्रांच का नाम आ जाएगा, इत्थे खाता नंबर आ जाएगा, इत्थे IFSC कोड आ जाएगा। यह सारी जानकारी तुहानू वैसे बैंक की कापी तो मिल जाएगी। हुण इत्थे दसना वा भी जे तुसी होस्टल दे विच रहिंदे जे ते तां ही इह डिटेल भरनी आ। सब तो पहला लिखिया वा भी तुसी उत्थे होस्टल च कदों दे रह रहे जी, ओह दस देना वा जिनी तरीक दे रह रहे जे, फिर लिखिया वा भी किन्नी तरीक तक रहोगे ओह दस देना वा, क्योंकि जे अहीं बी ए कर रहे हैं तो पूरा साल ही रहेंगे जिन्ना तक साढ़े पेपर नहीं होंगे। फिर इतने होस्टल की फीस दस देनी आ भी होस्टल की जिनी पूरे साल की फीस दस देनी आ भी इन्नी फीस आ होस्टल की, तो इतने टोटल फीस दस देनी आ। फिर इतने तुहाडे साइन होणगे। फिर आ तीजा फार्म आ गया, तीजे फार्म दे विच आ पंजाबी दे विच आ रहा वा तुसी ये पढ़ लेना वा ते इत्थे अपने साइन कर देने आ। फिर आ चौथा फार्म आ रहा फीडबैक, इसनू भरन दी लोड़ नहीं है, इसनू तुसी छड्ड सकदे जी। दोस्तो बस इन्ने क फार्म आ, चलो आओ तुहानू दस्तावेज बारे दस दिने आ। दस्तावेज दे विच की लगूगा, एक तां तुहाडे जिहड़ा भर रहा वा उहदी लाभपात्री कापी दी फोटोकापी लगेगी, ते दूजा उहदा आधार कार्ड लगेगा, तीजा पिछले साल दे विच तुसी पास कीती आ जो भी सेमेस्टर ओनू सेमेस्टर जां सर्टिफिकेट पिछले साल दा ओह तुसी इत्थे लाउणा वा। ते फिर एक होस्टल जे तुसी रहिंदे जे ते तुहाडे होस्टल दा प्रूफ लगेगा भी हाँ तुसी होस्टल दी जिहड़ी रसीद आ जिते तुसी फीस तारी आ ओह इत्थे फोटोकापी करके लगेगी। फिर तुहाडी एडमिशन दा सर्टिफिकेट लगेगा जो मतलब कि तुहाडी संस्था वल्लों दित्ता जाएगा जदों तुसी एडमिशन कराउंदे, जे तुहानूं रसीद दिंदे आ फीस दी ओह इत्थे लगेगी फोटोकापी करके। फिर ID प्रूफ, ये तुसी आधार कार्ड लाउणा बच्चे दा भी ते अपना भी, ते एक तुहाडी बैंक दी कापी दी फोटोकापी लगेगी। दोस्तों इन्ने क दस्तावेज लगणगे, जदों ये सारे दस्तावेज तुसी स्कैन कर लोगे ते इन्हां दे उत्ते अपने साइन करने आ जिहड़ा भी अर्जी दे रहा वा। जदों ये सारा कुछ फार्म ते दस्तावेज तैयार हो जाणगे तां फिर इसनूं अपने नज़दीकी दे सेवा केंद्र दे विच जाके जमा करा देना वा। फिर 10 जां 15 दिनां तों बाद उसे ही सेवा केंद्र दे विच तुसी जाणा वा ते उहनां नूं इस वजीफा स्कीम बारे पुछणा वा कि इह साडी पास हो गई आ कि नहीं हुई। जे पास हो जाएगी तुहानूं किते वी जाण दी लोड़ नहीं आ, तुहाडे बैंक दे खाते दे विच सिद्धी वजीफा स्कीम आ जाएगी। पर जे नहीं पास हुई तो उहदा कारण पुछ के उहनूं सही करके दुबारा भर लैणा वा। सो दोस्तो इस तरह तुसी पंजाब दे विच वजीफा स्कीम लगा सकदे जी। मैं आस करदा वा कि तुहानूं सारा कुछ समझ आ गया होवेगा, जे फिर भी समझ नहीं आया तो तुसी मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच पुछ सकदे जी। धन्नवाद।